हेलो फ्रेंड, मैं आकाश। वेलकम टू प्लांट केयर कीपर। वे प्लांट जिन्हें आप दिसंबर मंथ में कटिंग से बहुत ही ईजली ग्रो कर सकते हैं, उन प्लांट के बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो इन प्लांट की आपको कहीं पर भी कटिंग मिले, आप ले आइएगा और इन्हें कटिंग से ज़रूर ग्रो कीजिएगा। इस लिस्ट में पहला प्लांट है ये युक्का। इस प्लांट को मैंने भी कटिंग से ग्रो किया था, देख सकते हैं 6 इंच प्लास्टिक कंटेनर में मैंने ग्रो किया है और बहुत ही अच्छे से ये ग्रो कर रहा है। इस प्लांट से मैं इसकी कटिंग लेकर गया था, देख सकते हैं इसकी रूट से इस तरह के प्लांट निकलते रहते हैं। तो कहीं पर भी आपको ये प्लांट दिखे तो आप चेक करिएगा, बेबी प्लांट हो तो आप भी ले आइएगा। इस लिस्ट में दूसरा प्लांट है ये वर्बीना। इसे भी आप इस टाइम बहुत ही ईजली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इनके फ्लावर बहुत सारे कलर में आते हैं, तो नर्सरी से आप एक प्लांट लेकर आइए और ढेर सारे कटिंग ग्रो करके इसके ढेर सारे प्लांट बना लीजिए। हैंगिंग बास्केट में ये बहुत ही सुंदर लगता है, देख सकते हैं ये कटिंग मैंने ग्रो किया था, अब ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो चुकी है। तो आप इसकी भी कटिंग दिसंबर मंथ में बहुत ही ईजली ग्रो कर सकते हैं। इस लिस्ट में अगला प्लांट है ये आयरिसीन। गार्डन को कलरफुल बनाने के लिए ये बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है। तो इस प्लांट की भी कटिंग आपको कहीं पर मिले तो आप भी ले आइएगा और इससे कटिंग से ग्रो कीजिएगा। तो इस तरह की आप छोटी सी कटिंग ले सकते हैं और इसे इसके नीचे के पत्तों को हटाकर आप एक लीफ नोड के साथ मिट्टी में दबा देते हैं तो 10 दिन में ही इसकी कटिंग तैयार हो जाती है। तो कटिंग आप जब भी लगाएं वाटरिंग ज़रूर करें। इस लिस्ट में अगला प्लांट है ये गुलदावती। फ्लावर काफ़ी सारे कलर में आते हैं और दिसंबर मंथ में भी इसकी आप कटिंग ग्रो कर सकते हैं, लेकिन फ्लावरिंग इस सीज़न में करेगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप इसकी अभी कटिंग लगाएंगे तो नेक्स्ट सीज़न तक प्लांट अच्छे से ग्रो कर जाएगा और नेक्स्ट सीज़न में ये बहुत ही बढ़िया ब्लूमिंग करेगा। इसके अलावा रेनी सीज़न में आप इसकी ढेर सारी कटिंग भी ग्रो कर पाएंगे। तो दिसंबर मंथ में आप गुलदावती को भी कटिंग से ज़रूर ग्रो कीजिएगा। इस लिस्ट में अगला प्लांट है ये अरेबियन वैक्स आईवी। ये भी बहुत ही सुंदर फोलियज प्लांट होता है, हैंगिंग बास्केट में भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं, देख सकते हैं पत्ते बहुत ही शाइनी होते हैं और इसकी मैंने एक छोटी सी कटिंग ग्रो किया था, देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ग्रो कर चुका है। छोटे से ही मैंने कंटेनर में ग्रो किया है, लगभग ये 7 से 8 इंच का कंटेनर है। तो ये प्लांट भी आपको कहीं पर मिले तो आप इसकी इस तरह की छोटी कटिंग ला सकते हैं और 100% ये कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट होता है। तो इसे आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा अगर आपको ये प्लांट कहीं पर मिले। इसके अलावा इसके पत्तों को भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से कंटेनर में रख दीजिए तो एक पत्ते से ही 5 से 6 प्लांट बन जाते हैं। कटिंग आप दूसरे प्लांट के साथ भी ग्रो कर सकते हैं, ये किसी भी कंटेनर में किसी भी मिट्टी में बहुत ईजली ग्रो हो जाता है। इस लिस्ट में अगला प्लांट है ये फर्केरिया। इसे भी आप कटिंग से बहुत ईजली ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट पार्क वगैरह में लगे हुए होते हैं, मैं इसकी कटिंग पार्क से ही लेकर आया था। तो ये प्लांट भी आपको कहीं पर मिले तो आप भी इसे कटिंग से ज़रूर ग्रो कीजिएगा, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी रूट इनमें आ चुकी है। इस लिस्ट में अगला प्लांट है ये हरजोड़। हरजोड़ को भी आप दिसंबर मंथ में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक प्लांट होता है, हड्डी टूट जाती है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। और हाँ, यह हैंगिंग बास्केट में भी सुंदर लगता है, बिना किसी केयर के चलने वाला प्लांट होता है, तो ऐसे प्लांट आपको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करने चाहिए। तो आप इस तरह की छोटी सी कटिंग ले सकते हैं और दूसरे प्लांट के साथ भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। मैं तो इसी कंटेनर में इसे ग्रो कर रहा हूँ और कुछ दिन पहले मैंने इसकी कटिंग ग्रो भी किया था, उसका भी मैं आज इस वीडियो में अपडेट देने वाला हूँ। तो ये 4 से 5 कटिंग मैंने कुछ ही दिनों पहले ग्रो किया था, वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था, देख सकते हैं सभी में सूट्स आने लगे हैं। तो ये भी बहुत ईजली दिसंबर मंथ में आप इससे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इस लिस्ट में अगला प्लांट है पिटूनिया। ये विंटर का बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है, हैंगिंग बास्केट में भी बहुत ही सुंदर लगता है। तो इसकी भी आप 4 से 5 इंच की कटिंग लेकर कटिंग से बहुत ईजली ग्रो कर सकते हैं। दिसंबर मंथ में ये कटिंग से बहुत ईजली ग्रो होने वाला प्लांट होता है, तो आप इसकी भी कटिंग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस लिस्ट में अगला प्लांट है ये अगेव का प्लांट। इसे भी आप दिसंबर मंथ में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं।
इसमें इस तरह के कांटे आते हैं, इसलिए बच्चों से इस प्लांट को थोड़ा सा दूर रखिएगा। लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, हार्डी भी रहता है, बिना किसी केयर के चलने वाला प्लांट होता है। तो ऐसे प्लांट आपको कहीं पर भी मिले तो आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। और इसमें इस तरह के बेबी प्लांट आते हैं, देख सकते हैं छोटे से ही कंटेनर में मैंने इसे ग्रो किया है। तो इस तरह की आप कटिंग ले सकते हैं, इनके रूट से बेबी प्लांट आते हैं। तो इस तरह से इन्हें थोड़ा सा निकाल लीजिए थोड़ी सी रूट के साथ, और किसी भी कंटेनर में इस तरह से दबा दीजिए, बहुत ही ईजली ये ग्रो हो जाता है। तो आप इस प्लांट को भी दिसंबर मंथ में ज़रूर ग्रो कीजिएगा, अगर आपको इसकी कटिंग या बेबी प्लांट कहीं पर मिल जाए। इस लिस्ट में अगला प्लांट है ये रोज़। रोज़ प्लांट भी आप दिसंबर मंथ में कटिंग से बहुत ईजली ग्रो कर सकते हैं, खासकर रोज़ की देसी वेराइटी। तो आप इसे भी ज़रूर ट्राई करिएगा। इस लिस्ट में अगला प्लांट है ये सेंसेवेरिया। सेंसेवेरिया की कोई नई वेराइटी आपको मिले तो आप इसे भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। देख सकते हैं छोटी सी बॉटल में ग्रो किया है, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है। तो आप इसे भी ज़रूर ग्रो कीजिएगा। ये मेरा कटिंग से ग्रो हुआ प्लांट है और इससे आज मैं कटिंग ले रहा हूँ। तो ये प्लांट कटिंग से बहुत ही ईजली ग्रो हो जाता है, इस तरह की आप छोटी सी कटिंग ले सकते हैं, कहीं पर भी मिले तो आप कटिंग ले आइएगा। और कंटेनर में आप इस तरह से दबा सकते हैं, पानी का अगर आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ओवर वाटरिंग नहीं करेंगे, तो एक ही प्लांट से एक समय इतना आएगा कि ये पूरा कंटेनर इसी कटिंग से भर जाएगा। तो इतना हार्डी और इतना आसानी से ग्रो होने वाला ये प्लांट होता है। डहलिया को भी आप दिसंबर मंथ में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, इसकी भी आप 4 से 5 इंच की कटिंग लेकर मिट्टी में दबा दीजिए तो बहुत ही ईजली दिसंबर मंथ में ये ग्रो हो जाता है। इस लिस्ट में अगला प्लांट है ये फाइकस। फाइकस की भी आप दिसंबर मंथ में कटिंग ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कटिंग ज़्यादा मोटी ना ले, इससे कि छोटी सी पतली कटिंग ले, बहुत ही ईजली ये कटिंग से ग्रो हो जाता है। तो देख सकते हैं इस तरह की छोटी सी कटिंग लेकर आप कंटेनर में दबा दीजिए तो बहुत ही ईजली ये कटिंग से ग्रो हो जाता है। और कटिंग आप जब भी लगाएं वाटरिंग ज़रूर करें, वाटरिंग करना भूल जाएंगे तो आपकी कटिंग ख़राब हो जाएगी। और ये फाइकस की कटिंग मैंने कुछ महीने पहले ग्रो किया था, अच्छे से ग्रो हो चुकी है। जरेनियम, इसकी कटिंग भी आप दिसंबर मंथ में बहुत ही ईजली ग्रो कर सकते हैं, इनके पत्तों से भी बहुत ही खुशबू आती है और परमानेंट प्लांट की तरह भी ये रह सकता है। अगर आपके पास ना हो तो आप इसे नर्सरी से भी परचेज करके ला सकते हैं। इसके अलावा डैंथस को भी आप कटिंग से दिसंबर मंथ में बहुत ईजली ग्रो कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। इसके अलावा दिसंबर मंथ में कौन कौन सी कटिंग ग्रो कर सकते हैं, इस पर मैंने एक और वीडियो डाला था, इस वीडियो के लास्ट में वो स्क्रीन पर आ जाएगा, तो उसे भी आप देख सकते हैं। आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।